जेईई मेंस 2022 की परीक्षा में हुड्डा सेक्टर 2 स्थित एसपीएस इंटरनेशनल स्कूल के 7 बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। स्कूल का छात्र उत्तम 99.16% अंक लेकर जिले में दूसरे स्थान पर रहा, जबकि अन्य 6 छात्रों ने 90% से अधिक अंक लेकर जिले में स्कूल का नाम रोशन किया है। स्कूल के चेयरमैन सुरेश भारद्वाज तथा निर्देशक चेतन भारद्वाज और रोहित भारद्वाज सहित प्रधानाचार्य ने इन बच्चों का सोमवार को स्कूल परिसर में बुलाकर सम्मान किया। जेईई मेंस की परीक्षा में बेहतर अंक लेकर पास करने पर सभी छात्र छात्राओं को पुष्पमाला पहनाकर तथा मिठाई खिलाकर सम्मानित किया गया। परीक्षा पास करने वाले बच्चों में उत्तम के अलावा निश्चय ने 97.72%, लक्ष्मी ने 96.104%, सागर दीक्षित ने 95.94, प्राची ने 73.60% अंक प्राप्त किए। स्कूल के चेयरमैन सुरेश भारद्वाज और चेतन भारद्वाज ने कहा कि स्कूल में इनसे पहले भी 56 बच्चे सीए तथा इससे ज़्यादा बच्चे नीट की परीक्षा पास कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल के शिक्षकों द्वारा दी जा रही शिक्षा व संस्कार के कारण ही आज उनके स्कूल के बच्चे बिना किसी कोचिंग के परीक्षा पास कर रहे हैं। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि आने वाले दिनों में इन बच्चों को स्कूल में बड़े स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। First of all, I would like to congratulate all the students who have done wonderfully well, and I would like to congratulate the parents also who have supported us throughout. अगर क्योंकि आप जानते हैं कि पेरेंट की अगर सपोर्ट साथ में ना हो तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है किसी भी स्टूडेंट के रिजल्ट निकालने में, बिकॉज आपको पता है एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती हैं, एग्जॉस्टिव स्टडी मटेरियल भी होता है, कभी कभी हमें उन्हें रोकना भी पड़ता है एक्स्ट्रा टाइम में। सो मेरे हिसाब से हमारे जितने भी बच्चे थे उनमें से ये हमारे वो 7 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 90% से अबव परसेंटाइल स्कोर करा, एंड दे हैव डन वंडरफुली वेल। स्कूल की तरफ से, बच्चों की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से पूरा सपोर्ट मिला, और इसीलिए आज इन्होंने ये एक यू नो मुकाम का हासिल करा, और मुझे उम्मीद है कि ये अब जेईई एडवांस में भी इसी तरह का रिजल्ट होगा। एडवांस की तैयारी के लिए किस तरह की प्रिपरेशन इन्हें कराई जा रही है? सर, हमारे पास एक्सपर्ट फैकल्टी है जो हमारे बच्चों को एग्जॉस्टिव स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, ट्रिक्स कि किस तरह से पेपर को सॉल्व किया जाए कम समय में, कितना जल्दी एक्चुअली आजकल स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है, बिकॉज अभी बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को ये समझ आए कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में विदाउट एरर हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो टीचर्स इनके साथ दिन रात लग के इनकी मेहनत करवा रहे हैं और इनको कोशिश कर रहे हैं कि ये जे एडवांस को भी इसी तरह से बिल्कुल क्लियर कर पाए। इस तरह के अचीवमेंट के लिए स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू के तौर पर किस तरह की तैयारी होनी चाहिए, किस तरह का एनवायरनमेंट होना चाहिए एजुकेशन को बेहतर प्रेजेंट करने के लिए? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द स्टूडेंट शुड डेडिकेट अदर देन स्कूल। स्कूल में अगर मैं कहूँ कि 6 आवर्स, द चाइल्ड शुड डेडिकेट एटलीस्ट 14 आवर्स ऑफ स्टडी, बिकॉज अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आप देखिए डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होना जरूरी है। बच्चा जो स्कूल में पढ़ के जाता है उसको उसके ऊपर अपना फिर अपनी सेल्फ स्टडी करनी है, उसके ऊपर उसको देखना है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मैं उसकी टेस्ट सीरीज ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो उसको सॉल्व करूँ, टीचर जो मुझे असाइनमेंट्स दे रहा है उसको रेगुलरली अपडेट करूँ। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि डेली एफर्ट्स हो, बैकलॉग नहीं होना चाहिए, और स्कूल की कोशिश ये रहती है कि जो स्टूडेंट्स जिनको ऐसी ज़रूरत है कि उनको हमें लगता है कि हम उनको स्टे बैक करवा कर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करवा सकते हैं तो हम वो भी कर रहे हैं, एंड आगे भी अभी एडवांस की भी सेम तैयारी रहेगी। एक्सपर्ट फैकल्टी हमारे पास हैं कॉम्पिटिटिव लेवल के जो अपना पूरा यहीं पर रहते हैं हमारे पास मंडे टू सैटरडे मॉर्निंग टू इवनिंग किसी भी टाइम जिन बच्चों को उनकी हेल्प की ज़रूरत है देर ऑलवेज देर टू लगते हैं। और बच्चों के लिए किस तरह का मोटिवेशन इनके थ्रू जाएगा और आपकी तरफ से कोई मैसेज आप डिलीवर करना चाहेंगे स्टूडेंट्स के लिए? एक ही बात कहना चाहूँगी एज एन एजुकेशनल दैट देर इज़ नो एंड टू सक्सेस, बट उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि यू हैव टू हैव द स्पिरिट एंड यू नो डू और डाई सिचुएशन में किस तरह से एक्स्ट्रा माइल जाना बहुत ज़रूरी है। अगर हर बच्चा, हर पेरेंट इस बात को समझ ले कि मेरा बच्चा किसी से कम नहीं है और मैं अगर उसके ऊपर मेहनत करूँ तो वो कोई भी किसी भी तरह के माइलस्टोन को अचीव कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स के साथ में हमेशा हम एजुकेशनल स्कूल साथ करें, जितना वो चाहेंगे उतना हम उनको देने की कोशिश करेंगे, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले सालों में भी एसपीएस के जितने बच्चे हैं जो जेईई एस्पिरेंट्स हैं या नीट एस्पिरेंट्स हैं वो एक्सेप्शनल रिजल्ट्स हैं, दे विल डू रियली वंडरफुल इवन। लक्ष्मी, किस तरह का रिजल्ट रहा
और आगे किस तरह की जो एडवांस की तैयारी है वो किस तरह की चल रही है? रिजल्ट से हाँ सेटिस्फाइंग हूँ मैं, मेरे जितने एफर्ट्स किए थे हाँ उसके अकॉर्डिंग मेरा रिजल्ट आया है, क्योंकि मैंने कहीं से बाहर से कोचिंग नहीं ली है, तो जितना भी था स्कूल का ही था, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री है पूरा। और आई एम जस्ट ट्राइंग फॉर सेकेंड अटेम्प्ट, मेरा इससे भी अच्छा जाए और उसके बाद एडवांस की तैयारी। तो टीचर्स का किस तरह से सपोर्ट रहा इसमें? टीचर्स जो आपके डाउट्स हो थे उनको क्लियर करने में किस तरह का सपोर्ट रहा? टीचर्स का काफ़ी सपोर्टिंग नेचर रहा, उन्होंने मतलब हमें जब भी उनकी ज़रूरत पड़ी उन्होंने हमें पूरी तरीके से सपोर्ट किया। डाउट वगैरह तो आते ही हैं, तो डाउट सॉल्विंग टाइम टू टाइम हमारी बहुत अच्छी सपोर्ट के लिए। एजुकेशन को लेकर एनवायरनमेंट कैसा है SBS का? बहुत अच्छा है, इसमें लड़के लड़कियों के लिए बहुत इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं, ऐसा नहीं है जिस तरीके से लड़कों को पढ़ाया जाता है वैसे लड़कियों को पढ़ाया जाता है, तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है एजुकेशन के लिए। कोई मैसेज आप डिलीवर करना चाहेंगे? डेफिनेटली मैं लड़कियों को मैसेज डिलीवर करना चाहूँ कि खासकर ये समझाया जाता है कि जेईई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, लड़कियों को नहीं क्रैक करना चाहिए, लड़के ही क्रैक कर सकते हैं इसको, तो ऐसा नहीं है, लड़कियाँ भी इक्वल क्रैक कर सकती हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो मैं उन लड़कियों को कहना चाहूँगी कि अपनी हिम्मत के साथ और पूरे जोश के साथ लग जाओ जी एडवांस क्रैक करने के लिए। हमारे स्कूल में दूसरे वाले बच्चों के लिए अलग से एक सेक्शन बना हुआ है जो खाली कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं, उनकी तरफ से कोई सपोर्ट था, आपको कोई भी डाउट आता था आप टीचर से पूछ लेते, हमारे लिए अलग से टीचर्स रखे गए थे जो हमें जिम में तैयारी करा रहे थे। और बाकी सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है तो सबसे ज़्यादा जरूरी है सेल्फ स्टडी। तो स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से टीचर्स का किस तरह से सपोर्ट रहा आपको? कोई भी अगर हमें डाउट आता था तो हम टीचर्स को 24 आवर्स कभी भी देख सकते थे, जैसे अभी हम घर पे हैं और हमें सब कुछ पढ़ रहे हैं और हमें कोई डाउट आए तो हम टीचर्स को व्हाट्सअप कर देते थे, टीचर्स तभी के तभी सॉल्यूशन हमें देते थे। कोई मैसेज आप डिलीवर करना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट अच्छा नहीं हुआ है सो वर्क हार्ड, ट्राई योर बेस्ट, और सेकेंड अटैम्प्ट में अपनी पूरी मेहनत से उसको दीजिए, और डेफिनेटली अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा। मैंने अपनी स्टडीज 11th में शुरू कर दी थी और वो कंटिन्यू रही, कोई दिक्कत नहीं आई उसमें और रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा, मैं सेटिस्फाइड हूँ। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का टीचर्स का किस तरह का सपोर्ट रहा? स्कूल से तो फुल सपोर्ट रहा है, स्कूल ने ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, जो रिजल्ट है हमारे तो मेरे बाद में टीचर्स का एफर्ट्स पहले सामने आता है, क्योंकि वो हर पल हमारे साथ थे कि हमारा डाउट क्लियर करते थे, कोई भी डाउट हो किसी भी रिगार्डिंग हो कभी भी आप उनको मैसेज करो वो तभी सॉल्व करते थे, चाहे वो लेट नाइट हो या अर्ली मॉर्निंग हो। तो इस बीच में कभी कोई दिक्कतें आपको फेस करने को मिली हो? नहीं, दिक्कतें कोई फेस करने को नहीं। और लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट्स के लिए? जो जो स्टूडेंट्स हैं अभी जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट अच्छा नहीं पाया लेकिन वो अपनी होप ना छोड़े, सेकेंड अटैम्प्ट अभी भी है तो बस रिजल्ट से हम सेटिस्फाइड है, पर और कोशिश करेंगे और ज़्यादा आए, और तैयारी तो हमने 11th में स्टार्ट कर दी थी, 11th 12th कंटिन्यूटी में रखी थी, और टीचर्स का फुल सपोर्ट रहा था, जो भी दिक्कत आई थी वहाँ पर टीचर्स हमारे साथ खड़े थे, जो भी डाउट्स थे वे हर रोज़ सॉल्व किए जाते थे, इसलिए टीचर्स के हम बहुत ज़्यादा आभार हैं। इस बीच में कभी ऐसा लगा कि सब्जेक्ट्स में दिक्कत आ रही है या फिर टीचर्स का सपोर्ट किस तरह का रहा? दिक्कतें तो सबके जीवन में आती हैं, पर उसी टाइम हमारे टीचर्स हमारे साथ खड़े थे, कुछ समय आया था कि कुछ नहीं हो पा रहा था, पर उस समय हमारे टीचर्स ने हमें समझाया और कहा कि आप मेहनत करते रहे, मेहनत ना रोकें, तो हमने टीचर्स पर ही अपना भरोसा जमाए रखा और आज वही मेहनत हमारी रंग लाई है। आगे क्या सोच रखा है? आगे पहले तो ये जे एडवांस को क्लियर करने की सोच रहे हैं, हो जाए तो यही है बस। तो इसके लिए किस तरह की रूपरेखा आपने तैयार कर रखी है, किस तरह की स्टडी पॉइंट? इसके लिए मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, उस टेस्टों को दे रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर्स के जे एडवांस के हुए हैं। ठीक, कोई मैसेज आप डिलीवर करेंगे? मैसेज ये देना चाहूँगा, अपने टीचर्स पर पूर्ण भरोसा रखें, वही आपको आगे ले जाएंगे, सब जो भी पेपर हैं आपके सब क्लियर हो जाएंगे यदि आप अपने टीचर्स का भरोसा रखते हैं। पूरे दिन ही होती है, जब तक कर सकते हो तब तक करो, अगर तुम स्मार्ट वर्क कर रहे हो तो स्मार्ट वर्क में ही हार्ड वर्क कर दो, और जिस काम को तुम 1 घंटे में कर रहे हो उस काम को 1 घंटे से कम करने की कोशिश करो और ज़्यादा करो उसी काम को। और एडवांस की तैयारी अभी तो हम टेस्ट सीरीज से ही कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा रहे हैं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखे हैं जिसके क्वेश्चन लगा। टीचर्स की तरफ से किस तरह का सपोर्ट रहा, जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए नहीं हुए? टीचर्स की तरफ से फुल सपोर्ट रहा है, जब भी कोई डाउट होता था तो मैं सर के पास भेजा जा रहा, सर हमेशा उसका रिप्लाई उसी तरफ उसी वक्त
स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा रहा एजुकेशन को लेकर? स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ सिर्फ पढ़ाई की बात होती है, ज़्यादा इधर उधर भी